सेकंड टांग लिस्ट अपना जनपद सहारनपुर पड़ता है। अपने बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपने हरिओम उपाध्याय जी, हरिओम यादव जी, हरिओम जी लगभग अपने तीन चार बार से विधायक हैं, तीन बार से अपने सिरसागंज सपा के समाजवादी पार्टी के विधायक अभी भी डॉक्टर सिरसा फिरोजाबाद सिरसा हरिओम यादव, अपने डॉक्टर धर्मपाल सिंह पूर्व विधायक हैं एतमादपुर से सपा के, आज ये भारतीय जनता पार्टी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। ये तीनों महान भावों का आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय नड्डा जी सभी को विश्वास में आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी वनवासी गिरवासियों ऐसे बंटागिया थारू और मुसहरों के लिए जो गरीबों के लिए काम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम यादव जी को पार्टी में उनका स्वागत है, उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची आदरणीय कैलो मौर्य जी ने, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है, उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची सर एक साथ में फोटो करवा दीजिए सबकी, थोड़ा पास में रखिए। एक बार सब लोग साथ साथ आ जाएंगे, थोड़ा पास पास में आ जाएंगे, ठीक रहेगा। चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी स्थिति बस राजनीति में परिस्थिति बस निर्णय लेने पड़ते हैं, फिर लिया है वही योगी जी और मोदी जी से प्रभावित होकर हमने ये निर्णय। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से रूप से अभी तक योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आम जनता की ये योजनाएं हो, और मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरह से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के लोगों का विकास हो। तो ये तो 5 साल से बीजेपी के नेतृत्व में अगर विकास हो रही थी, कानून व्यवस्था सही हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले परिस्थिति बस निर्णय लेने पड़ते लिया, और भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी को, उम्मीद है आप चुनाव लड़ेंगे, उम्मीद तो पार्टी तय करेगी, जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे निभाने का प्रयास होगा।